असंगतियों से भरा है, तो फिर तर्क, बुद्धि, व्यवस्था और अनुशासन का मार्ग बुद्ध ने क्यों बताया? प्रश्न जीवन का नहीं है, प्रश्न तुम्हारे मन का है। जीवन को मोक्ष की तरफ नहीं जाना, जीवन तो मोक्ष है। जीवन नहीं भटका है, जीवन नहीं भूला है, जीवन तो वही है जहां होना चाहिए। तुम भटके हो, तुम भूले हो। तुम्हारा मन तर्क की उलझन में है और यात्रा तुम्हारे मन से शुरू होगी। कहां जाना है ये सवाल नहीं है, कहां से शुरू करना है यही सवाल है। मंजिल की बात बुद्ध ने नहीं की, मंजिल की बात तुम समझ भी कैसे पाओगे? उसका तो स्वाद ही समझा सकेगा, उसमें तो डूबोगे तो ही जान पाओगे। बुद्ध ने मार्ग की बात कही। बुद्ध ने तुम जहां खड़े हो, तुम्हारा पहला कदम जहां पड़ेगा, उसकी बात कही। इसलिए बुद्ध बुद्धि, विचार, अनुशासन, व्यवस्था की बात करते हैं। नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि जीवन कोई व्यवस्था नहीं मानता, जीवन कोई रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई गाड़ी नहीं है। जीवन परम स्वतंत्रता है, जीवन के ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, जीवन अमर्याद है। वहां ना कुछ शुभ है ना अशुभ, जीवन में सर्व स्वीकार है। वहां अंधेरा भी और उजेला भी एक साथ स्वीकार है। मनुष्य के मन का सवाल है, मनुष्य का मन विरोधाभासी बात को समझ ही नहीं पाता, और जिसको तुम समझ ना पाओगे उसे तुम जीवन में कैसे उतारोगे? जिसे तुम समझ ना पाओगे उससे तुम दूर ही रह जाओगे। तो बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो। बुद्ध ने सत्य नहीं कहा, बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो। फिर जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्ध तुमसे वह भी कहेंगे जो तुम नहीं समझ सकते। बुद्ध एक दिन गुजरते हैं एक राह से, जंगल की, पतझड़ के दिन, सारा वन सूखे पत्तों से भरा है, और आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि क्या आपने हमें सब बातें बता दी जो आप जानते? क्या आपने अपना पूरा सत्य हमारे सामने स्पष्ट किया है? बुद्ध ने सूखे पत्तों से अपनी मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद, मैंने तुमसे उतना ही कहा है जितने सूखे पत्ते मेरी मुट्ठी में, और उतना अनकहा छोड़ दिया है जितने सूखे पत्ते इस वन में। वही कहा है जो तुम समझ सको। फिर जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे वो भी कहा जा सकेगा जो पहले समझा नहीं जा सकता था। बुद्ध कदम कदम बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हारी सामर्थ्य देखकर बढ़े। बुद्ध ने तुम्हारी बूंद को सागर में डालना चाहा है। ऐसे भी फकीर हुए जिन्होंने सागर को बूंद में डाल दिया, पर वो काम बुद्ध ने नहीं किया, उन्होंने बूंद को सागर में डाला है। सागर को बूंद में डालने से बूंद बहुत गड़बड़ा जाती है, उसके लिए बड़ा बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसके लिए दुस्साहस चाहिए, उसके लिए मरने की तैयारी चाहिए। बुद्ध ने तुम्हें रफ्ता रफ्ता राजी किया है, एक एक कदम तुम्हें करीब लाए। इसलिए बुद्ध के विचार में एक अनुशासन है। ऐसा अनुशासन तुम कबीर में ना पाओगे। कबीर उलट बांसी बोलते, कबीर तुम्हारी फिक्र नहीं करते। कबीर वहां से बोलते हैं जहां वो स्वयं, जहां मेघ फिरे अदृश्य के और अमृत की वर्षा हो रही, जहां बिनघन परत फुहार, जहां मेघ भी नहीं और जहां अमृत की वर्षा हो रही, बेबूझ बोलते हैं। तो कबीर को तो वे बहुत थोड़े से लोग समझ पाएंगे,
जो उनके साथ खतरा लेने को राजी। कबीर ने कहा है, जो घर बारे अपना चले हमारे संग, जिसकी तैयारी हो घर में आग लगा देने की वो हमारे साथ हो ले। किस घर की बात कर रहे हैं? वो तुम्हारा मन का घर, तुम्हारी बुद्धि की व्यवस्था, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी समझ, जो उस घर को जलाने को तैयार हो, कबीर कहते हैं वो हमारे साथ हो ले। बुद्ध कहते हैं घर को जलाने की भी जरूरत नहीं है, एक एक कदम सही, इंच इंच सही, धीरे धीरे सही, बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं। इसलिए बुद्ध वहीं से शुरू करते हैं जहां तुम हो। उन्होंने उतना ही कहा है जो कोई भी तर्कनिष्ठ व्यक्ति समझने में समर्थ हो जाए। इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा सारे जगत पर। बुद्ध जैसा प्रभाव किसी का भी नहीं पड़ा। अगर दुनिया में मुसलमान हैं, तो मोहम्मद के प्रभाव की वजह से कम, मुसलमानों की जबरदस्ती की वजह से ज्यादा। अगर दुनिया में ईसाई है, तो ईसा के प्रभाव से कम, ईसाइयों की व्यापारी कुशलता के कारण ज्यादा। लेकिन अगर दुनिया में बौद्ध है, तो सिर्फ बुद्ध के कारण। न तो कोई जबरदस्ती की गई है किसी को बदलने की, न कोई प्रलोभन दिया गया है, लेकिन बुद्ध की बात मौजूद पड़ी। जिसके पास भी थोड़ी समझ थी, उसको भी बुद्ध में रस आया। थोड़ा सोचो, बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, क्योंकि जो भी सोच विचार करता है उसे ईश्वर की बात में संदेह पैदा होता है। बुद्ध ने वो बात ही नहीं की। छोड़ो, उसको अनिवार्य न माना। बुद्ध आत्मा तक की बात नहीं करते, क्योंकि जो बहुत सोच विचार करता है वो कहता है, ये मैं मान नहीं सकता कि शरीर के बाद बचूंगा, कौन बचेगा, ये सब शरीर का ही खेल है, आज है कल समाप्त हो जाए। किसी ने कभी मर के लौट के कहा कि मैं बचाऊं? कभी किसी ने खबर की? ये सब यही की बातें हैं, मन को बहलाने के ख्याल है। बुद्ध ने आत्मा की भी बात नहीं कही। बुद्ध ने कहा ये भी जाने दो, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि प्रमाण देने का तो कोई उपाय नहीं। तुम जब जानोगे तभी जानोगे, उसके पहले जनाने की कोई सुविधा नहीं। और अगर तुम तर्कनिष्ठ हो, बहुत विचारशील हो, तो तुम मानने को राजी ना होगे। और बुद्ध कहते हैं कोई ऐसी बात तुमसे कहना जिसे तुम इंकार करो, तुम्हारे मार्ग पर बाधा बन जाएगी, वो इंकार ही तुम्हारे लिए रोक लेगा। बुद्ध कहते हैं ये भी जाने दो। बुद्ध कहते हैं हम इतना ही कहते हैं कि जीवन में दुख, इसे तो इंकार ना करोगे, इसे तो इंकार करना मुश्किल है। जिसने थोड़ा भी सोचा विचारा है वो तो कभी इंकार नहीं कर सकता। इसे तो वही इंकार कर सकता है जिसने सोचा ही विचारा ना हो, लेकिन जिसने सोचा विचारा ही ना हो वो भी कैसे इंकार करेगा, क्योंकि इंकार के लिए सोचना विचारना जरूरी है। जिसके मन में जरा सी भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी किरण है, जिसने जीवन के संबंध में जरा सा भी चिंतन मनन किया है, वो भी देख लेगा, अंधा भी देख लेगा। जड़ से जड़ बुद्धि को भी ये बात समझ में आ जाएगी, जीवन में दुख है, आंसुओं के सिवाय पाया भी क्या। इसे बुद्ध को सिद्ध ना करना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन ही सिद्ध कर रहा है, तुम्हारी कथा ही बता रही है, तुम्हारी भीगी आंखें कह रही हैं, तुम्हारे कपते पैर कह रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, ये कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं है, ये तो जीवन का तथ्य है, इसे कौन कब इंकार कर पाया। और बुद्ध ने कहा दुख है तो अकारण तो कुछ भी नहीं होता, दुख के कारण होंगे। और बुद्ध ने कहा दुख से तो मुक्त होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते, ईश्वर को नहीं पाना चाहते, समझ में आता है। कुछ सिरफिरों को छोड़कर कौन ईश्वर को पाना चाहता है, कुछ पागलों को छोड़कर कौन आत्मा की फिक्र कर रहा है। समझदार आदमी ऐसे उपद्रवों में नहीं पड़ते, ऐसी झंझटें मोल नहीं लेते, जिंदगी की झंझटें काफी हैं, अब आत्मा और परमात्मा और मोक्ष
इन उलझनों में कौन पड़े? बुद्ध ने ये बातें ही नहीं कही। तुम इनकार कर सको, ऐसी बात बुद्ध ने कही ही नहीं। इसका उन्होंने बड़ा संयम रखा। उन जैसा संयमी बोलने वाला नहीं हुआ है। उन्होंने एक शब्द न कहा जिसमें तुम कह सको नहीं। उन्होंने तुम्हें नास्तिक होने की सुविधा न दी। इसे थोड़ा समझना। लोगों ने बुद्ध को नास्तिक कहा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि बुद्ध अकेले आदमी है पृथ्वी पर जिन्होंने तुम्हें नास्तिक होने की सुविधा नहीं दी। जिन्होंने तुमसे कहा ईश्वर है, उन्होंने तुम्हें इंकार करने को मजबूर करवा दिया। कहां है ईश्वर? जिन्होंने तुमसे कहा आत्मा है, उन्होंने तुम्हारे भीतर संदेह पैदा किया। बुद्ध ने वही कहा जिस पर तुम संदेह न कर सकोगे। बुद्ध